छत्तीसगढ़ में अब शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। अब 6 दिनों तक दुकानें खुली रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिसे वापस लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अब शनिवार रविवार को नहीं होगा पूर्ण लॉकडाउन। अब 6 दिनों तक खुली रहेंगी दुकानें। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब वापस लिया गया है पहले का फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुप्रिया, जिस तरह से पूर्ण लॉकडाउन की बात की गई थी शनिवार रविवार को, जिससे शायद कंट्रोल में आ जाए, पर उसे भी वापस ले लिया गया है, तो क्या माना जाए, लगातार और ज्यादा केस सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, केस तो सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका वाले की जो युवती है, एक नर्स सफाई कर्मी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो इस तरह से लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। और मेटाहारा जो है रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर 2 मामले सामने आ गए हैं। तो इस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं और एक तरफ प्रशासन जो है वो छूट देते जा रहे हैं। जैसे कि शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया था, जिस फैसले को वापस ले लिया गया है। यहाँ पर शनिवार को भी जो है लॉकडाउन नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑटो चलेगी, बाजारें खुली रहेंगी। तो इस तरीके से जो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहाँ पर भीड़ भाड़ का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दुकानदार भी सैनिटाइजर के हाथ धुलवा के प्रवेश करने देते हैं ना, तो उनको मास्क के लिए बोलते हैं ना किसी तरह की डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोलते हैं। तो सिर्फ सैनिटाइजर से हाथ धुलवाना ही एक सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से जो तमाम जानकारी है वो रायपुर से सामने आ रही है और साथ ही तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोगों की लगातार जो आवाज रही है वो जारी है और प्रशासन की तरफ से भी जो काफी छूट है वो दे दी गई है। हालांकि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा, लेकिन वो कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक सभी तरह की दुकानें, इतना बड़ा फैसला है, शुक्रिया लिया गया है, सैटरडे और संडे का पूर्ण लॉकडाउन कहा गया था, इतना बड़ा फैसला लिया गया, तो उसके लिए इंतजाम भी क्या किए गए हैं, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल होगा और पब्लिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? पब्लिक को तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जागरूकताएं फैलाई जा रही है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर जो है जागरूकता संदेश जो है वो दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए रखे। इस तरह की हिदायत जो है वो जगह जगह ट्रैफिक सिग्नलों पर रायपुर से दी जाती है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का कोई और दूसरा तरीका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो दुकानें खुली हैं और लोगों की आवाजाही भी जारी है। कोई अनावश्यक घर से बाहर निकल रहा है तो कोई किसी काम से बाहर निकल रहा है, तो इस तरह से लगातार जो है लोगों की भीड़ जो है वो राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफी लापरवाह नजर आते हैं, उन्हें अपनी भी चिंता नहीं है, किसी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बनी रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग का भूल ही जाइए, जब भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कोई करता हुआ नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से जो मामले है वो सामने आ रहे हैं और प्रशासन भी है वो भी अलर्ट करना छोड़ दिया है। अब जो है सिर्फ ट्रैफिक सिग्नलों पर जो है वो अलार्म बजते रहता है कि कोरोना है तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरीके से जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए, आपके साथ अगली खबर से भी जुड़ेंगे। बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और शनिवार रविवार को जिस तरह से पूर्ण लॉकडाउन की बात की गई थी वो फैसला अब वापस ले लिया गया है। अब फिर से बाजार खुलेंगे शनिवार रविवार को भी। राजकीय सम्मान